तुम लोग भी हम्मा हम्मा करके गाय को ढूंढना, वो यहाँ भी होगी, चले आएगी। हम चारों चारों दिशा में जाएंगे। सूर्य तू वेस्ट में, नीरज तू ईस्ट में, राजू तू साउथ में, और मैं जाऊंगा नॉर्थ में, वहाँ गर्मी कम पड़ती है। हम्मा हम्मा करना मत भूलना। अब एक बार बोलो हम्मा हम्मा। उत्तर है? चलो चलो निकलो बाहर, आओ। हम्मा हम्मा। हाय हाय, मैं सदके जाऊँ, कुलवन की गाय ढूंढ रहे हो? जी हाँ, सुबह से लापता है। हाँ तो तुमने चाय भी नहीं पी होगी, घर में दूध जो नहीं है। लो चाय पी लो। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पी सकता। क्यों, गरीब के घर में चाय पीना तुम्हारी शान के खिलाफ है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर पी लो, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगी। अच्छा ठीक है। मम्मा हम्मा। अच्छा तो नाश्ते को क्यों नहीं आओ? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्यों, तुम कुलवन के नहीं सारे गांव के मेहमान हो? कुछ नहीं क्या, मैं परोठे अभी बना के ले आती हूँ तुम्हारे लिए। वाह, आप तो बिल्कुल मेरे बीजी जैसे स्वादिष्ट पराठे बनाती हैं। थोड़ा जा दही मोड़ दे पुत्र, लल्ला ना थोड़ा जा। नहीं 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 बस। हा? फिर पता नहीं तुहाडे घर कदों दूध दही होएगा, गाय के बगैर दूध दही नहीं होता ना। हैं, पर एक काम कर पुत्र, थोड़ा जा दही थोड़े जे पराठे बन के ना कर दियाँ जनानियाँ वास्ते ले जा। अच्छा थैंक यू मौसी जी। मौसी भी कहता है, शर्मा भी रहा है, कुछ खा क्यों नहीं रहा है? हम बहुत खाएंगे, अभी हम गाय ढूंढने जाएंगे, हम्मा हम्मा करी। चुपचाप बैठा रे, हमारा मुन्ना ढूंढेगा, वो रहा। अरे कहीं दिखाई दी या नहीं? नहीं, मैंने तो देवेंद्र चाचा जी नजर आ रहे कुएं के पास। हम्मा 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 हम्मा। हैं, ये तो मेरी आवाज है। हैं, गांव में भी को यार कहां कहां तक पहुंच गया है, लेकिन गाय तो नहीं मिली। हम्मा हम्मा। अबे चुप अबे चुप अबे चुप। मैं तो सारिया ने पूछ पूछ के थक गई, साड़ी गुणवंती दा कुछ पता ही नहीं चलिया। गुणवंती साड़ी गाँव पुत्र, किसी की फिक्र ना करो, दिल छोटा ना करो, मिल जाएगी। लेकिन बीजी अब तो शाम होने चली है। हाँ, शाम को तो सुबह का भूला भी घर वापस आ जाता है, लेकिन हमारे घर न गाय आई, न साहब जी, न पापा जी, न नीरज बाबा और न हमरा राजू। और तेरे कुलवन चाचा? ओ जमना, मिली नहीं मिली? ओ मिल जाएगी, गाँव की गऊ है, ज्यादा देर बाहर नहीं जा सकती, अंधेरा होते ही वापस लौट आएगी हम्मा हम्मा करते हुए। ओ ये तो हमारी गुणवंती की आवाज है। आर यू श्योर? हाँ हाँ गुणवंती। रुको रुको, आप लोग सब बाहर जा रहे हो। सूरज पता है चाचा जी की गाय मिल गई। अच्छा हाँ, लेकिन अभी तक आवाज ही नहीं है। आवाज तो आई आपकी गाड़ी से। गाड़ी से? कहीं हमारी गाड़ी के पीछे तो नहीं चाचा जी की गाय? यस। लेकिन मैं पूछता हूँ, ये गाय यहाँ आई कैसे? किसने बांधा ऐसे स्टीयरिंग व्हील से, या फिर इसने खुद दरवाजा खोला, रस्सी बांधी और छुप गई ताकि इसे कोई ढूंढ ना सके? सोचने दी गल ये है कि गाय नु गड्डी दी चाबी मिली कितों? अरे हाँ, गाड़ी की चाबी तो पापा जी के पास है। मेरे पास? हाँ हाँ, चाबी तो मेरे पास है। बड़ी चलाक है ये गाय, पता नहीं चलने दिया कब चाबी निकाली मेरी जेब से, कब गाड़ी खोली और फिर चाबी मेरी जेब में रख दी। भाई कमाल है। मैं क्या जी, बस करो जी बस करो, सबनु पता चल गया है कि ये कम तुहाडा ही है। सबनु पता चल गया है, फूफी नु भी? हाँ, लेकिन क्या पापा जी? अब सवाल ये उठता है कि आपने ऐसे किया क्यों पापा जी? हमें यहाँ रोकने के लिए है ना पापा जी? हाँ, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया पापा जी। गाँव की गलियों में घूम कर, गाँव के लोगों से मिलकर मुझे पता चला कि गाँव सचमुच कितना खूबसूरत है, यहाँ के लोगों के दिलों में कितना प्यार है, कितना अपनापन है। लहलहाते हुए हरे भरे खेत, खुली हुई वादियाँ, प्रदूषण का नामो निशान नहीं, सब कुछ कितना हरा भरा सा, खुला खुला सा, पवित्र सा, भुला भाला सा, बिल्कुल बिल्कुल मेरे पापा जी जैसा। पापा जी, आपने ना सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, बल्कि इसे बेस्ट प्रोजेक्ट बनाकर मुझे दिया है। मैं कैसे आपको थैंक यू बोलूंगा? एक तरीका है, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं। मैं करूंगा पापा जी, मैं बिल्कुल करूंगा। आप कह के तो देखिए, गुणवंती बहन ने जो अपनी निशानी हमारी गाड़ी में छोड़ी है वो वहां से उठा ले। निशानी? मैं कुछ समझा नहीं पापा जी। ओए, उसने हमारी गाड़ी में टट्टी कर दी है।